पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव नहीं रहे, गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पैतृक गांव में होगा उनका अंतिम संस्कार, कई नेताओं ने जताया दुख। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर गंगा विलास से रवाना, पीएम मोदी की विदेश पर्यटकों से अपील, भारत आइए ये आपकी सोच से भी परे। विधानसभा और मेयर का चुनाव जीतने वाले शहर के वार्ड में कांग्रेस को मिली हार, हार कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव रिजल्ट घोषित, तक खबर था, और चिरमिरी में कांग्रेस ने मारी बाजी, बिलासपुर में खिला कमर। चीन के बीजिंग में रोड क्रॉस कर रही लोगों को कार ने रौंदा, वीडियो हुआ वायरल, 5 की मौत, 13 घायल। सऊदी ने भी पाक की मजबूरी का उठाया फायदा, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बोले दुनिया ने 10 अरब डॉलर दिए, इनमें 90% लोन। फिलीपींस में चिकन से 3 गुना महंगा प्याज, 1 किलो की कीमत 900 रुपए, चीन से तस्करी होकर आ रही है प्याज। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा, 1 फरवरी को पेश होगा बजट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट। जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा, इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शहर तेजी से धंसना हुआ शुरू। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, WHO ने कहा संक्रमण बढ़ रहा है, यात्रा के समय मास्क जरूर पहने, भारत में कोवैक्सीन बूस्टर डोज को मिली मंजूरी। महाराष्ट्र में बस और ट्रक के बीच टक्कर, 10 लोगों की मौत, कई घायल, साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे सभी यात्री। पीस कीपिंग मिशन में 1177 भारतीय जवानों को मिला यूएन मेडल, साउथ सूडान में पहली बार महिला जवान ने किया परेड का नेतृत्व। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 2 से 3 महीने तक रहेगी कोरोना की पीक, भारत में कोवैक्स बूस्टर डोज को मिल गई है मंजूरी। लेकिन पाकिस्तान को भारत में शामिल करने की मांग तेज, लोग बोले आर पार जोड़ दो, कश्मीर का द्वार खोल दो। फिल्म पान सिंह तोमर के राइटर संजय चौहान का निधन, लिवर की बीमारी से थे पीड़ित, मुंबई के हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। अंजलि के आरोपियों पर नकली की हत्या की धारा, गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को निर्देश, 11 पुलिस वाले सस्पेंड, हादसा बताने वाले DCP को नोटिस, अंजलि के आरोपियों पर लगेगी हत्या की धारा। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को दिल्ली की जगह बेंगलुरु में होगी परेड, मद्रास महाराज सहित 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के T20 कप्तान होंगे मिचेल सेंटर, विलियमसन सऊदी नहीं खेलेंगे, 18 जनवरी को हैदराबाद में पहला वनडे। महिला IPL की रेस में इंदौर अहमदाबाद समेत 10 शहर, 5 ही को मिलेगी टीमों की मेजबानी, 25 जनवरी को आमने सामने आएंगे नाम। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट टीम घोषित, 18 मेंबर्स की टीम में चार स्पिनर्स, जॉर्ज मर्फी और लॉन्स मॉरिस को मौका।